इतना ऊंचाई में आके गाना याद आ रहा है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे जमाना है पीछे। देखो गाड़ी आ रहा है, सारा पहाड़ आसमान नीचे नजर आ रहा है यहाँ से, नेपाल से इंडिया। गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। देखो माय डार्लिंग प्रिंसेस, हर पिता के लिए ये कितना दुख की बात है ना, अपना फैमिली ऐसा क्यूट सा एंजल को छोड़ के विदेश जाना, ना चाहते हुए जाना तो पड़ेगा। सो वो दिन फिर से आ गया, मुझे दुबई जाना है बहुत जल्द। पर जाने से पहले मैं अपना डार्लिंग के लिए कुछ शॉपिंग करके आता हूँ, है ना। आपको मिलते हैं रास्ते पे, ठीक है। सो स्टे ट्यून, बाय। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, मैं और मेरे ससुरा। और शॉपिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं बोले तो इंडिया, नेपाल से इंडिया तक स्कूटी में जाने वाले हैं। लास्ट टाइम जो हम गए थे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से गए थे, दो तीन गाड़ी चेंज कर गया था, लेकिन ये बार जा रहे हैं स्कूटी से डायरेक्टली। और फिलहाल सुबह का लगभग 7-8 बज रहा होगा शायद। मौसम देख सकते हैं बस्ती का कैसा है, मैं आपको एक शॉट लेके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। थैंक्स फॉर विजिट बूपू विलेज, ये है बूपू का मेन गेट। कितना घंटा लगेगा यहाँ से? 2.5 घंटे, 3.5 घंटा, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा, हाँ 2 hours 30 minutes यहाँ से इंडिया पहुँचने को। मौसम देख सकते हैं आप कैसा है, इसको क्या शायद फोग बोलते हैं, क्या फोग लगा हुआ पूरा। नेपाली में बोले तो कुरे, कुरे है ना, हाँ कुरे है ना, उसु उसु। भयंकर ठंडी है यार, फिलहाल तो यहाँ मौसम अच्छा है, ठंडी है सिर्फ, लेकिन जब मेन रोड में आएगा ना फिर वहाँ बहुत धूल होगा। सो ये जो बंदर टोपी है इसमें क्या बोलते हुडी, ये हुडी हमको उससे भी बचाएगा धूल से भी और ठंडी से भी। तो मैंने हुडी लगा लिया, चश्मा लगा लिया, और ससुर जी तो ऑलरेडी हेलमेट में, लेकिन ससुर जी चश्मा नहीं लगाया, बोलते कि घर में बोला है। सो आज ले लेते हैं चश्मा ससुर जी के लिए, उसके बाद निकलते हैं। ससुर जी के लिए आज चैलेंज होगा हिंदी में बात करना होगा, मुझे पता है ससुर जी हिंदी मेरे से अच्छा बोलते हैं। ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है। बस यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर होगा फिर हम लोग मेन रोड में आ जाएंगे। 200 मीटर है, हाँ लगभग 200 मीटर पड़ रहा है, 1 किलोमीटर नहीं, लगभग 200 मीटर के बाद हम आएंगे अरुण खोला यानी मेन रोड, ठीक है। उसके बाद जाएंगे, ऑयल डालेंगे, उसके बाद जाएंगे ऑयल, क्या बोलता है पेट्रोल, क्या बोलता है पेट्रोल भराएगा, हाँ। उसके बाद सफ़र हो जाएगा, लंबे सफ़र चालू करेगा। ओह माय गॉड, रास्ता ऐसा भयंकर है मेरे भाई, गाड़ी घोड़ा का तो बैंड बज जाता है बेचारा यहाँ। बाकी अरुण खोला पहुंच के वीडियो बनाते हैं। मेन रोड आ गया ना हम लोग, हाँ। सो गाइस, जैसे कि आप सबको हमेशा मैंने दिखाया है, ये है अरुण खोला मेन रोड। रास्ता काफ़ी धूल भरा होने वाला है, और वैसे भी ससुर जी ने चश्मा लेकर नहीं आया, तो चश्मा लाया ऑर्डर कर रहा है, आज मेरा होलिया देखो। लो नहीं यहाँ मतलब चश्मा अस्ति धान उगेर झडाप झुडो गयो चश्मा त, कता गयो कता खस्यो भन्ने। यो 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 त्यो त्यो होला, मलाई होइन उहाँको लागि अलिकति यो हुन्छ। यो फिल्म चाहिँ 1100 को दाइ, हजुर हेरेको यो चाहिँ पहिलो फिल्म चाहिँ यो 1800 को, पैसा छैन के, सिसा चाहिँ हजुर कति दिन्छ
पैसो छैन कि यहाँ चस्मा सेलेक्ट गरेर आए, चस्मा सेलेक्ट गर्ने के बाद यहाँ से निकल्छ पैसो नभएपछि छैन भन्नु पर्यो नि पेट्रोल स्टेसनमा वहाँ जाके पेट्रोल भर्यो भन्ने तपाईले देखाउनु भइहाल्यो अपना सफर सुरु गर्ते हैं ये सबै 18 अभी फ्यूल भराते हैं ये है पेट्रोल स्टेशन सबसे नज़दीक वाला हमारे घर का और अभी यहाँ से फ्यूल भराएंगे फ्यूल भरा के अपना सफ़र शुरू करते हैं आज इतना दूर घाने वाले हैं इतना दूर घाने वाले हैं पूछो ही मत अभी तक तो रास्ता बढ़िया है लेकिन जब आगे पहुंचेगा फिर बैंड बजेगा रास्ता ऐसा है थोड़ा पीस है थोड़ा कच्चा है थोड़ा पीस है थोड़ा कच्चा है और अभी रास्ता इतना नहीं दिखाता है आगे भी जाके कुछ रास्ता पानी करता है तो वहाँ जाके बातें करेंगे वरना डायरेक्ट इंडिया जाके मिलते हैं हाँ अच्छा घास काटने यहाँ आता है जगह क्रॉस कर लिया दुमकी बस्ती बोलो या गांव क्रॉस हो गया झुमकी भी झुमकी है झुमकी गांव झुमकी जाम नहीं है झुमकी बस्ती जामीरे जामी जामीरे 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 भी क्रॉस हो गया दुमकी भी क्रॉस हो गया अभी फिर से पहाड़ स्टार्ट हो रहा है ये देख सकते हैं आप लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से आ रहा था गाड़ी से तो मेरा फोन यहाँ आया था सर मुझे पूछ रहा था कि कहाँ पहुँच गया तो मैंने बताया दावनी सर ये जगह का नाम है दावनी काश यहाँ भी रास्ता अच्छा होता दुबई की तरह पीस होता तो बहुत टूरिस्ट एट्रैक्ट होता क्योंकि बहुत बढ़िया है जगह बहुत सुंदर है नेचर से भरा भरा है बहुत खूबसूरत है लेकिन रास्ता बहुत बुरा हाल है बहुत धूल है देख सकते हैं मेरा बाल सफ़ेद हो गया उम्र से पहले धूल ने काफ़ी पाउडर लग गया शक्ल में फिर का कैमरा का भी कोई हाल नहीं है कैमरा काला है लेकिन सफ़ेद करा दिया पूरा धूल से
ये देखो क्या हाल हो गया। बाल काला है, सफ़ेद हो गया, कैमरा पूरा सफ़ेद हो गया। ये जगह का नाम डाउन ने बता रहा है, डाउन ने। और अभी भी हमको यहाँ से बहुत दूर जाना है। यहाँ बस थोड़ा बहुत चाय पी लेगा, क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं किया था। खाना पीना कर लिया गाइस, बोले तो लंच कर लिया। यहाँ अभी डायरेक्ट इंडिया जाके शॉपिंग करता है। चलो यहाँ पे एक मंदिर है, इसका नाम है दावने मंदिर। देखो घर ही गिर गया सर नीचे। आपको नजर आ रहा है गाड़ी पीछे में, देखो दूर। ये है जिंदगी मेरे भाई, नेपाल का। फ्री का दूध, फ्री का मसाज, कितना बढ़िया है ना। रास्ता का बेहाल है, जितना मसाज चाहिए था सारा मिल गया यहाँ फ्री में। इतना हड्डी तुड़वा था तोड़ लिया यहाँ। रास्ता देखो, मेरा का बैटरी खत्म हो गया था तो मैं मोबाइल से बना रहा हूँ। हालांकि आपको मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं, ऊंचाई में आके गाना याद आ रहा है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, जमाना है पीछे। देखो गाड़ी आ रहा पीछे। सारा पहाड़ आसमान नीचे नजर आ रहा है यहाँ से। रास्ता भयंकर खराब है, रास्ता भयंकर खराब है। देखो दूर से देखो, 10 साल पुराना बना दिया मेरे को, 10 साल बड़ा करा दिया, बाल पूरा सफेद करा दिया। उछल उछल के बेटा पूरा। नेपाल से इंडिया, इंडिया से नेपाल, स्कूटी में सफर। आने में 2 घंटा, जाने में 2 घंटा, दिन में 4 घंटा। जब रास्ता पीस हो जाएगा ना तो बहुत बढ़िया होगा। यहाँ रास्ता खराब है फिलहाल, इसलिए बहुत धूल खा रहा है। ये देखो धूल, फ्री का पाउडर, फ्री का पाउडर। ये है सैमसंग S10 Plus, जिसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। कैनन बैग में डाला हुआ है, बैटरी खत्म हो गया, एक्सपायर बैटरी लेकर नहीं आया। GoPro घर में रख दिया। ये देखो धूल, वहां से गाड़ी आ रहा है, बस 2 मीटर आगे से नजर नहीं आ रहा है धूल से। ये मेरा पीछे से जा रहा है। माय गॉडनेस, रास्ता देखेगा, रास्ता दिखाएगा। हाँ देखो, ओ हो,
सौ मीटर आगे में दो तीन ट्रक है, नजर भी नहीं आ रहा ठीक से। वो देखो मेरा गाड़ी आ रहा है, देखो इसको कोई केयर नहीं है, हम लोग को मारने वाला है ये गाड़ी, पागल चला रहा है। ओहो का दूर देखे क्या, देखो ये गाड़ी कितना जा रहा है, देखो ऐसा दूर उड़ा के जा रहा है, बाप रे रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। वन टू थ्री, ये हालात है। हालांकि रास्ता अच्छा हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत होगा, हरा भरा जंगल है, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से धूल से पूरा हरा भरा को सफेद बना के रखा है, जैसे मेरा बाल को करा दिया इन लोगों ने। ये देखो बॉर्डर, माय गॉडनेस, वन टू थ्री, आगे सुबह मैंने कैनन से थोड़ा शूट किया था, कैनन बेचारा काला है लेकिन पूरा सफ़ेद बना दिया धूल से, मेरा बाल सफ़ेद हो गया धूल से। ये देखो धूल, एक जिंदगी है ना, मज़ा लेना पड़ेगा अभी, फिर ये बॉर्डर का मज़ा, माय गॉडनेस। देखो आगे से गाड़ी भी आ रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा है, अब ये कितना धूल देखे जाएगा भगवान जाने। ये देखो कितना धूल है, आगे से गाड़ी आ रहा है, पीछे वाला बाइक को पर आया जल्दी, ये देखो निकाल गया जबरदस्ती। सैमसंग S10 प्लस का क्या क्वालिटी है आज पता चलेगा। गाइस हम लोग बॉर्डर में आ गए हैं, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर। हालांकि यहाँ वीडियो बनाने अलाउड नहीं है, इसलिए मैं रखता हूँ, नहीं बनाता है, बस आपको बता देता हूँ कि ये बॉर्डर है। गाइस बॉर्डर क्रॉस कर लिया हमने इंडिया और नेपाल का, और अभी हम लोग इंडिया में हैं। देख सकते हैं हालात क्या है, बाल का शक्ल का पूरा धूल धूल। ससुर जी का फ़ोन आया है, सबसे पहले तो मुँह धोना होगा, फ्रेश करना होगा, फिर जाके शॉपिंग करता है, तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाल देख क्या मेरा हालत का अंदाजा लगा सकते हो, बाल पूरा क्या हो गया पूरा धूल से साफ है, शक्ल देखो पूरा धूल से साफ है, बाल देखो पूरा धूल से साफ है। जो खाना खाया था वो ऊपर बाहर निकलने वाला है, बैंड बज गया है। तो ये इंडिया, फिर भी हम नेपाल का स्कूटी लेके घूमता है। अभी ससुर कुछ यहाँ में शॉपिंग कर रहा है, क्या तेल वगैरह सरफ वगैरह और क्या क्या कुछ ले रहा है, उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगा अपने बच्चे के लिए कुछ लूँगा, घर के लिए चलते हैं, फ्रेश करने के लिए मन है यार सबसे पहले तो। अभी यहाँ पे पानी भी नहीं है, कहीं रेस्टोरेंट में जाएगा मुँह धूल धोएगा थोड़ा पानी वगैरह पिएगा, पूरा धूल से ना देख सकते हो मुँह पूरा गंदा हो रहा है, धूल ही धूल। ये सबै लानु हो र के गर्नु, सबै लानु पर्यो नि, सबै लिनु चार पिस्तो है डेली एक एक कितना है बता। मेरा एंजल के लिए शॉपिंग कर रहा है फिलहाल, इसी के लिए तो हम आए, बाल देखो कितना हैंडसम हो गया ना, काला बाल सफ़ेद हो गया, इतना जो करना होता हमको दुबई में तो काफ़ी पैसे देना पड़ता है, फ्री में हो गया। 440 440 एक दो तीन चार, 400 800 1200 1600 लगभग 1700 1800 हो रहा है। और दूसरा और ये भी लेके आओ, दो तीन पीस लेके आओ, मॉडल है ना। हाँ अब मिला लीजिए अंकल, 4 2 6 2 8 8 पीस है ना, 4 2 6 2 8 ठीक ना।
टोटल 4,260 रुपया। क्या ये लास्ट प्राइस है आपके लिए? आप जितने उसमें कम कर ले तो कर ले, लेकिन आपके लिए हम दिन में सबसे बुढ़ा तो मैं लग रहा हूँ यार। देखो कैमरा में देखिए, पिंक कलर में तो अच्छा हो गया है, सब ये भी मिल गया, ये अच्छा है। एक एक ही कलर दामी, एक एक ही चीज के कम हो गया। नहीं नहीं, एक कलर ये भी देख लीजिए, यूनिक है, दामी है, कलर न्यू है, कलर का स्टाइल न्यू है। और इसके साथ लेकिन एक कपड़ा है ना, ये जीन वाला में डालना चाहिए। नहीं नहीं, ये फ्रॉक में पार्टी वियर फ्रॉक जो आप मांगे हैं पार्टी शार्टी के लिए, उसके लिए ये पर्सनल उसके लिए आपको दिखाया है। नहीं ये कलर तो अच्छा नहीं, पार्टी शार्टी के लिए नहीं, पार्टी शार्टी के लिए। अगर टी शर्ट नुमा में चलेगा, टी शर्ट और जीन्स दिखा दे, कुछ अच्छा दिखाओ ताकि मेरा बच्चा को पसंद आए। चार सौ बच्चे तो ये सारा है मेरा लिटिल एंजल के लिए, और ये है दूसरा मेरा बेटी के लिए। कलर आप पिंक मांग रहे थे, ये देखिए क्वालिटी, ये ऐसे पूरा फूल रहेगा और इसके साथ ये है, ठीक है ना, ये डंगरी टाइप में है, स्टाइलिश जींस है। इसका तीन कलर आपको मिलेगा, और मॉडल दिखा दे रहा हूँ। बात को बिल करने के बाद आपको बताते हैं टोटल क्या हुआ, कितना हुआ, ठीक है। फिलहाल कमरा पकड़ते पकड़ते मेरा हाथ दुख गया यार, हाथ दर्द हो गया क्योंकि कैमरा बहुत भारी है। आज मैंने गोप्रो लाया नहीं वैसे तो, वीडियो जो है मैं कैमरा से बना रहा हूँ। सो गाइस फाइनली शॉपिंग हो गया, अभी घर के लिए निकालते हैं, बच्चे के लिए, वाइफ के लिए, घर के लिए, जो भी लेना था सारा चीज़ ले लिया और सामान यहाँ पे है, लेकिन गाड़ी नहीं ले आया, बस स्कूटी में लेके जाना है। और सफ़र कैसा है वो तो आपने देख ही लिया, मैंने रास्ता दिखाया था, देख सकते हैं मेरा बाल आगे वाइट था, अब थोड़ा बहुत काला होने लग रहा है। बाकी अभी इतना सामान लेके स्कूटी में, ये तो ज़्यादा से बात है कि हम ब्लॉग नहीं बना पाएगा। सो घर में जाके मिलते हैं गाइस। सो पिक्चर नहीं है, पिक्चर नहीं है, पिक्चर नहीं है, क्या वीडियो बना रहा है? गुड इवनिंग गाइस, तो आज के लिए अपडेट ये है, मेरा डार्लिंग प्रिंसेस के लिए शॉपिंग करने गया था मैं, क्योंकि मैं दुबई जा रहा हूँ। जाने से पहले मेरे डार्लिंग के लिए कुछ शॉपिंग करना था, और माय गॉड रास्ता के साथ आपको दिखाया ना, उफ माय गॉड, इसलिए आते सीधा छलांग किया, कहा नहाने के लिए, शावर लेने के लिए। देखो मेरा बेबी कितना क्यूट है, आई लव यू डार्लिंग, डार्लिंग माय डार्लिंग प्रिंसेस। बस तो दुबई जाए इससे पहले थोड़ा बहुत शॉपिंग किया, वो आज आपको दिखाया। तो आज के लिए अपडेट यही था मेरे वीडियो में, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, थैंक यू।